गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव मोनी। तो आज हमारा टॉपिक ब्यूटी टिप्स से है और आज मैं यहाँ पर आपके लिए एक टोनर बताऊंगी। और ये जो टोनर है वो मानसून स्पेशल है। जैसा कि आप सबको पता है कि बारिश जो है स्टार्ट हो चुकी है और इस बीच हमारी जो स्किन होती है उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो चलिए मैं यहाँ पर बताती हूँ कि ये टोनर कैसे बनाना है। और ये जो टोनर है आप बेसिक मतलब ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। अगर आपकी ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, आप किसी भी टाइप्स की स्किन वाले हो, आप इसे ईजिली यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मुझे यहाँ पर किन किन चीजों की जरूरत होगी। गाइस देखिए, मैंने यहाँ पर टोनर बनाने के लिए कच्ची हल्दी की गांठ ली हुई है और ये दालचीनी की लकड़ी है। ये देखिए, आप यहाँ पर दालचीनी का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए ये सारे कच्चे मटेरियल यूज किए हुए हैं ताकि जब हम टोनर बनाएं तो उसका जो एक्सट्रैक्ट हो वो बहुत ही अच्छा हो, वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देने वाला हो। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसे कैसे यूज करना है। यहाँ पर जो कच्ची हल्दी ली हुई है उसको मैंने एक दिन रात में मैंने इसे फुला दिया था ऐसे नाइट पे, ये देखिए। और ये जो इसकी लकड़ी है दालचीनी की, मैंने इसे भी ऐसे फुला दिया था। और जो इसका पानी है देखिए, कुछ थोड़ा सा रेडिश कलर का हो गया है और ये भी ऐसे ही येलो कलर का हो गया है। मैंने यहाँ पर हल्दी भी इसे अच्छे से रात में ओवरनाइट इसे रख दिया था। ये देखिए, ये फूल का टोटली रेडी हो चुका है। तो आप भी इसमें इसे एक गांठ, आपको मैं यहाँ पर 15 दिन के हिसाब से बना रही हूँ टोनर। अगर आपको इसे वीकली बनाना है तो आप इसमें ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसे टोटली फुलाकर रख लिया था। अब इसका ये जो लकड़ी है ये देखिए, अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे और इसे आराम से कद्दूकस हो जाएगा ही, क्योंकि ये टोटली फूल चुका है, ये देखिए। और ये बहुत अच्छे से टूट भी जाता है। तो मैं इसे कद्दूकस कर लेती हूँ, पहले मैं दोनों को कद्दूकस कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर दालचीनी को भी कस कर लिया, मैं यहाँ पर हल्दी को भी कस कर लेती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर इसे कद्दूकस कर लिया। अब मैं यहाँ पर दो बाउल लूंगी और ये जो हमने यहाँ पर दालचीनी और इसको कद्दूकस किया है, इसको हम वन बाय वन इसमें डाल लेते हैं पहले। और डालने के बाद हम इसमें 2 स्पून वाटर डाल लेंगे और इसे अच्छे से उसमें मिक्स कर लेंगे और उसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो चलिए पहले मैं इसे डाल लेती हूँ। सो गाइस देखिए, अब मैं यहाँ पर इसमें 2 स्पून वाटर ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मैश कर देंगे। ये देखिए, मैं यहाँ पर इसे अच्छे से ऐसे मिक्स कर दूंगी ताकि सारा इसका जितना भी जूस है सिनेमन का वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए पहले मैं इसे अच्छे से वन बाय वन इसे भी ऐसे कर लूंगी। तो चलिए मैं इसे पहले मैश कर लेती हूँ। देखिए, मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और अगर आपका ये स्पून से नहीं हो पाता तो आप इसे हैंड से भी मैश कर सकते हैं। ये देखिए, इसका टोटली पाउडर टाइप का हो चुका है। ये देखिए, मैंने ऐसे ही यहाँ पर हल्दी को भी कर लिया है। ये देखिए, इसके अंदर नीचे हल्दी है और यहाँ पर मैंने इसका पूरा जितना भी जूस था इसे अच्छे से मैश कर लिया था। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि इसे क्या करना है। अब हम यहाँ पर एक खाली बाउल लेंगे और यहाँ पर इसे अच्छे से स्टेनर की हेल्प से स्टेन कर लेंगे। आप सबको पता ही है कि जैसे कि हल्दी जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है और एंटी फंगल होता है और ये एंटी ऑक्सीडेंट होता है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये एंटी एजिंग भी होता है, के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये जो मैंने यहाँ पर दालचीनी का यूज़ किया हुआ है और ये भी एंटी बैक्टीरियल होता है, ये भी एंटी फंगल होता है, एंटी ऑक्सीडेंट होता है। और ये सबसे अच्छी बात है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये आपकी स्किन से सारे पिंपल्स की प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करेगा और ये टैनिंग रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इसमें अगर आपकी स्किन में रिंकल्स का प्रॉब्लम है, झुर्रियों का प्रॉब्लम है, तो वो भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसीलिए सिनेमन यूज़ किया हुआ है ना। तो चलिए मैं इसे भी यहाँ पर स्टेन कर लेती हूँ सिनेमन को। तो मैं इसे अलग कर देती हूँ। अब मैं इसी बाउल में इसे भी स्टेन कर लूँगी। तो चलिए मैं इसे भी स्टेन कर लेती हूँ। जो सिनेमन है ये बहुत ही अच्छा होगा आपकी स्किन के लिए। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो इसे पैक बना करके भी इसका यूज़ कर सकते हैं कि स्किन में पिंपल्स के दाग वगैरह रह गए हों, तो ये अच्छे से रिमूव करता है और ये आपकी स्किन में से जितनी भी टैनिंग है उसे भी अच्छे से रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप इसे कोई भी और स्किन टाइप्स के हों आप इसे इजिली यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें से आपकी स्किन जो होगी वो इंस्टेंट ग्लो होगी, आपकी स्किन का कलर जो है टेक्सचर है वो थोड़ा सा ब्राइट होगा। और बारिश का वैसे भी सीजन है तो आपकी जिस स्किन में जितना भी प्रॉब्लम होता है इन्फेक्शन का वो बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर टर्मरिक और सिनेमन लिया हुआ है ताकि आपकी स्किन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिले।
देखिए मैंने इसका दोनों के एक्सट्रैक्ट को निकाल लिया है, दोनों के जूस को निकाल लिया है। और ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इसे यूज़ करती हूँ तो मुझे इसके बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी स्किन को बहुत ही अच्छा सूट करता है ये तो। चलिए, और ये बारिश के लिए, मेरी स्किन के लिए, और बारिश के सीज़न में बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होता है ये, मेरे स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, क्योंकि बारिश में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है। और अगर स्किन की बात आए तो पिंपल्स का तो पूछिए मत, इसलिए आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ इस टोनर को, ताकि आपकी स्किन भी अच्छे से ग्लो करे और आपकी स्किन अच्छे से प्रोटेक्ट रहे बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन जितने भी होते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर सारे एक्सट्रैक्ट को इकट्ठा कर लिया है, अब मैं बताती हूँ। यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर टोनर बॉटल यूज़ किया हुआ है। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर इसमें लेमन यूज़ करूँगी, तो यहाँ पर लेमन की मैंने 4 से 5 ड्रॉप यूज़ करना है। तो चलिए मैं इसकी निकाल लेती हूँ। ये देखिए 4 से 5 ड्रॉप हो गया है, इसके बीज ना जाने पाए तो मैं इसे डाल देती हूँ। ये देखिए, क्योंकि ये ब्लीच प्रॉपर्टी होती है लेमन में, और लेमन जो होता है हमारी स्किन को ब्राइट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा एलोवेरा जेल यूज़ करना है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर एलोवेरा जेल मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 1/2 स्पून यूज़ किया हुआ है, इसमें लेमन भी ऐड कर दिया है और एलोवेरा जेल ऐड कर दिया है, ताकि आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेट रहे। अब मैं यहाँ पर रोज़ वाटर ऐड करूँगी, रोज़ वाटर से आपकी स्किन में पिंकिश ग्लो आता है, इसीलिए हम सबसे ज़्यादा अपने ब्यूटी वगैरह में सबसे ज़्यादा रोज़ वाटर यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 स्पून ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं हम। मैंने इसे डबल स्टेन किया हुआ है ताकि इसके थोड़े से भी पार्टिकल्स हमारे टोनर पर ना आने पाए, हमें सिर्फ इसका जूस यूज़ करना है। तो चलिए मैं इसे इस जार पर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, और फिर ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इसे बॉटल पे ट्रांसफ़र कर लूँगी, टोनर बॉटल पे। ये देखिए मैंने यहाँ पर स्प्रे बॉटल लिया हुआ है, अब मैं इसमें इसे इकट्ठा कर लूँगी। देखिए मैंने इसे कलेक्ट कर लिया है एंड अब मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी, जब मैं इसे सेक कर लेती हूँ। और आप जब भी इसे दिन में जितने बार चाहे उतने बार यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है ये देखिए। और सबसे अच्छी बात है कि आपकी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा, एंड जितने ही फंगल इन्फेक्शन है, पिंपल्स का प्रॉब्लम है, टैनिंग का प्रॉब्लम है, तो आपकी स्किन के लिए बेस्ट है टोनर। और इसे मानसून में तो स्पेशली आप यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और ये सबसे अच्छी बात है कि आपके घर की चीज़ों से बन जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ों की ज़रूरत ऐसी नहीं है यहाँ पर कि आपको बाहर से लेनी पड़े। ये इसे मानसून स्पेशल टोनर बनाया हुआ है ताकि आपकी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। तो सो गाइज, आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी एक्सपीरियंस है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।